दिस इज ऑल्सो कच्चा रूट दैट आई एम वॉकिंग ऑन राइट नाउ. लोगों के घरों पे लिटरली ऐसे भी जाया जाता है. ये सारे एप्पल के पीस है ना. हाँ जी हाँ जी, मैं खोल देती हूँ. अभी मैं जहाँ पे हूँ ये मेरे मौसी के नेबर्स हैं. आंटी आपका नाम क्या है? दिखने में पिंकी है वैसे कुसुम है. अच्छा, तो आंटी का नाम पिंकी है और ये इनका घर है. और मुझे क्योंकि वुडन का घर देखना था, सिंस आई एम सो फॉन्ड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एंड स्पेशली शिमला में यहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं. इसका रीज़न ये होता है कि लकड़ी गर्म रहती है, गर्म रहता है घर. तो इनका घर इतना ब्यूटीफुल है, सुंदर भी लगता है डेफिनेटली. सो दिस इज हाउ द हाउस इन शिमला लुक्स लाइक. वाओ, आई स्वेयर ये आज दिन तक का सबसे सुंदर घर है जो मैंने देखा है. ये किचन है. वाओ, ये चूल्हा है, ये दिखाने के लिए चीजें होती है सर्दियों में. हाँ जी, यहाँ पे किचन्स ऐसे होते हैं, लोकली तो ऐसे होते हैं. दिस इज द मेन किचन जहाँ पे खाना बनाया जाता है मोस्टली. और ये किचन का बैठक है जहाँ पे खाना खाया जाता है, जैसे ड्राइंग रूम्स होते हैं सिटीज में. हाँ जी, बहुत अच्छा है. नहीं अच्छा, हाँ हाँ, अ प्रिटी हाउस. यहाँ से स्टेयरकेस है. ये आपका लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम. ये ड्राइंग रूम है और बेडरूम्स वहाँ पे हैं. हाँ जी, थैंक यू आपने अलाउ किया. कोई बात, मुझे एक्चुअली इतना शौक है ऐसे घर घर का. इनफैक्ट मैं अपने मम्मा पापा को बोलती हूँ कि जब आप लोग बनाओगे तो ऐसा बनाना. दिस इज़ यहाँ पर बेडरूम है. इट लुक्स लाइक अ 5-star होटल रूम टू स्टार्ट विद. एंड अगर ऐसा व्यू हो तो ऑब्वियसली एट एनी डे यू कैन कॉल इट द मोस्ट प्रेशियस रूम. ये एक और बेडरूम. मोस्टली सिटीज़ में बस छोटे छोटे बेडरूम्स होते हैं ना हम लोगों के पास, तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी स्पेस होती है. अच्छा, डच वॉशरूम्स नाइस. रूफ पे ऐसे छोटे छोटे क्यूट क्यूट शैंडेलियर्स लगे हुए हैं. और ये इनके सीधे रूम के बाहर एप्पल के ट्रीज हैं, यहाँ पे एप्पल्स लगते हैं. सो स्वीट. Nice. Cute, cute bedrooms with chandeliers on the top. Side में mountains का view. बाहर से भी देखोगे? हाँ जी हाँ जी. ये इनके balcony से view है. And that's how most of the houses in Himachal का view ऐसा होता है. Like literally, I can do anything to live in a place like this any day. Like. मेरी बालकनी से व्यू देखा है ना, बिल्डिंग्स दिखती हैं टूटी फूटी. यहाँ पे ऐसे एंटर करते हैं तो ऐसे लगता है लाइक यू आर एंटरिंग अ पैलेस. अच्छा, चंडीगढ़. बेटी जॉब करती है चंडीगढ़. अच्छा, वो चंडीगढ़ में रहते हैं. अच्छा, बेटा बहू. हाँ, बेटा का नहीं है ना बिजनेस. अच्छा, तो हाँ जी आप. पर बेटा बनाया जाए ना, मेंटेन करना. हाँ, मेंटेन भी. स्पाइन की सर्जरी हुई है. अच्छा, आपकी धीरे से चल रही है. अच्छा, आपको स्टेज की वजह, स्टेज पे थोड़ा आराम से चलते होगे ज्यादा. 25 डेज हुए हैं ना. अच्छा, अभी भी है तो फिर इसका कि मैं थोड़ा आराम से. हाँ, यहाँ पे ये लिविंग रूम है, कितना ज़्यादा स्पेशियस है. सिटिंग रूम, इसको क्या बोलते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज में? बैठक. बैठक.
यहाँ पे बैठक होती है, यहाँ पे सब नीचे बैठते हैं मोस्टली। इवन जो मैरिजेस वगैरह होती हैं हिमाचल में, शिमला में, उसमें नीचे बैठ के संगीत, लेडीज संगीत, मेहंदी, वो सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो उसके लिए ऐसे घरों में सीटिंग भी होती है। मैं पुराने घर पे गई हूँ किसी के, वहाँ पे सिर्फ ये मतलब मेन ड्रॉइंग रूम उनका ऐसा ही था, बैठक उधर नीचे ही था सब कुछ। वाह, इट्स अ कल्चरल, इतना अच्छा लगता है। मैं अलग अलग पार्ट्स में बड़ी हुई हूँ ना इंडिया के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे आना। वन मोर बेडरूम, अ लिटिल मॉडर्न, और ये फर्स्ट फ्लोर पे है आई थिंक। और यहाँ से एप्पल के ऑर्चिड्स दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। घर क्यों बनाना, हमारे तो एक ही बेटा है। हाँ जी, चंडीगढ़ में घर है, शिमला में दो जगह घर है। हाँ, क्यों बनाना, एक ही तो बेटा है। हाँ। मुझे अपनी मर्जी से एक अलग से जिंदगी में मैंने एक अच्छा सा काम करना है जिसको लोग देखें। हाँ। मैं चला जाऊं, लोग फिर भी याद करें। सो स्वीट। तो 3 इयर्स इसमें लगे हैं बनने में, और तो चंडीगढ़ से तब ट्रैवल करते होंगे। आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों ने काम किया होगा, कितने लोगों ने किया होगा, कि इतना वुडन वर्क है, इतनी प्रिसिशन से, मतलब एक एक चीज ऐसे लग रहा है लगाई है खुद हाथ से। नहीं, ऐसे घर होते थोड़ी ना, लाइक मोस्टली मैंने ऐसा सिर्फ होटल्स में देखा है इस टाइप का, जो ऐसे झूमर लगा है, जो ऐसे पूरा वुड वर्क है, मोस्टली ऐसे होटल्स में किया जाता है। 20-25 लोग लगे रहते थे। माय गॉड। फिर तैयार हुआ, फिर अपने अपने बेटे की शादी में कर। अच्छा, एक दिन का फंक्शन सिर्फ यहाँ रखा था। हाँ। 2 दिन का। अच्छा, सोने से पूछना। हाँ जी, उसमें रहती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शादी तो वैसे 1 वीक चली थी। अच्छा, 1 वीक मैरिज चली थी। मैरिज चली थी, और आपने एक फंक्शन घर पे किया था। 28-29-30 का फंक्शन इतना था कि 28 को भी 400 लोगों ने खाना खाया। हाँ जी, का फंक्शन रखा था लेडी संगीत। 29 को 1100 लोगों ने खाना खाया यहीं। माय गॉड। 30 को तो 2500 लोग थे खाना वो बाहर रखा। हाँ। सेप्शन। हाँ। सेप्शन बाहर रखा था, तो फिर हम तो सोचा था कि एक फंक्शन यहीं कराएंगे। हाँ। हमें रिसेप्शन बाहर देंगे। अच्छा, इतने सारे गेस्ट हो जाते हैं। तो फिर दोनों हॉल्स में रखा था अपना। ब्यूटीफुल रूम। इसको आप बाहर से देखेंगे ना, अभी हाँ से दिखाऊंगी ना। अच्छा, पूरे गणपति जी बनाए। अच्छा, बुटन से। अच्छा, आपको इतना सुंदर। ये रूम क्या है, मतलब अच्छा ये एंट्रेंस है। अच्छा, शॉर्टकट से हमने किचन के लिए दूसरा रास्ता। अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ जी, ये कैसे लोग। हाँ, मैं जहाँ से आई, मैं सीधे ऊपर से चल के इनकी विंडो से आई थी। मोस्टली पहाड़ों में ऐसे भी होता है, 2-3 एंट्रेंस होती हैं, किसी को लोकली आना हो, कोई ऊपर ऊपर होता है। कम खुलता है। हाँ, ये मेन डोर है इनका, यूजुअली वैसे यहाँ से आते हैं। यहाँ पे बार रूम है, शॉप पूरे की है। अच्छा, जो 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 पसंद था, जैसे पसंद था, जो पसंद था। वाओ, ये इनका बार है एंट्रेंस पे लेफ्ट साइड पे। जो मन में था। हाँ जी, वैसे ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब तो बोलते थे बाहर क्यों बनाना है। यहाँ ब्रीजर्स भी रखी हुई है। ब्रीजर्स, बियर, स्कॉच, विस्की, हर चीज होनी चाहिए हर गेस्ट के लिए। ये इनके सन का बेडरूम है। मेरा घर बहुत बहुत गंदा है। हाय, I'm so sorry. Your house is so pretty. इनका रूम है, ये इनके सन और डॉटर इन लॉ का रूम है, विच इज ऑल्सो वेरी स्पेशियस एंड ब्यूटिफुल। और इनको ये गंदा लग रहा है अभी। आपको मेरे घर आना चाहिए एक बार। स्मेट रही थी, बोलती मामा कपड़े धोने को स्मेटती हूँ। हाँ, ठीक करती हूँ। Get it.